हाँ अच्छा बताइए कैसा काम कराया आपके ग्राम प्रधान ने? ग्राम प्रधान कुछ नहीं कराया है। कुछ मतलब क्या क्या नहीं कराया? कुछ का जो है कुछ मिलो ही नहीं है आज तक, भंजर रुपया बहुना मिलो। अच्छा और कहा नल की अथाड़ी जंजीर टूटी तीन नौ के नल के लग। पंचायत चुनाव आ गए कैसा माहौल चल रहा है? पंचायत चुनाव आ गए हैं माहौल कैसे चल रहा गाँव में? गाँव का माहौल जो है बता सब सही है शांति है जो नहीं चुनावी माहौल चुनावी हवा कैसी चल रही है किस ओर चल रही है? जो पुराने प्रधान है उन्हीं की तरफ हवा चल रही है या कोई नए प्रधान की तरफ चल रही है? नए प्रधान ही चल रही है पुराने चली सबकी। अच्छा बाबा आप बताइए आप उधर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हमका बता मैं नाली तक साफ नहीं होती नाली साफ नहीं होती सफाई कर्मी नहीं आ रहे क्या? कोई नहीं है देखन नहीं आउत अपने आप। ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की आपने कभी? शिकायत एक ना दस हजार कर चुके हैं प्रधान सुनते ही नहीं है। कोई नहीं सुनते तो हमें लगता कर्मचारी तक नहीं आउत। अच्छा जो पंचायत चुनाव आएंगे उसमें प्रधान चेंज कर देंगे क्या? प्रधान चेंज हुई नहीं। अच्छा कौन कोई नया चेहरा आपको दिखा? ना हुई कौन होगा अब जो हो कोई जब जी को भाग हुई तो हुई सही बात कि नहीं हुई। और बताइए क्या मतलब सब गांव में सही चल रहा है? सब गांव में कुछ हो सही नहीं चंद बाका पुलिया हुआ बनते कई लाख रुपया। अरे रुकिए जा कहाँ रहा है बताइए क्या क्या होना चाहिए? ले होना क्या क्या चाहिए गांव में? अरे जो गांव में काम है जो प्रधान देखे वो प्रधान कहाँ है तो बताइए आप कैमरे बताइए प्रधान से क्या क्या करना चाहिए भाई? प्रधान का जो कौन सा विकास ना देखना चाहिए? अच्छा अच्छा प्रधान नहीं कर रहे आप लोगों तो कई लोगों चुना है सांसद को भी चुना है विधायक को भी चुना है ब्लॉक प्रमुख को भी आपने चुना है जिला पंचायत सदस्य को भी चुना है किसी ने कोई काम किया है? सिर्फ आप प्रधान को ही टारगेट करेंगे? प्रधान ना कोई हूं नहीं करो किसी ने नहीं किया नहीं करो किसने नहीं किया गाँव में एक विकास बनवे का जे बरात घर बनवे का जे जो है एक नहीं कोई बन। अच्छा बिल्कुल सही। जिला पंचायत सदस्य कौन? जिला पंचायत सदस्य कौन है आपके क्षेत्र में? का नाम उनको है ले का नाम आपको नाम ही नहीं पता है? उन पर आउघड़ का हाथ आउघड़ हाँ कने के उद्धव दार उद्धव उद्धव। अच्छा चुनाव में आए थे दोबारा कभी आए? इधर नहीं आए फिर यहाँ दर्शन बना देना है दोबारा नहीं आए फिर दर्शन बना देना है। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है आपके पता है कोई? अजय प्रताप सिंह यादव। उन्हें आपने वोट दे के चुना या जिला पंचायत सदस्यों ने? जिला पंचायत सदस्यों ने चुना है भाई हमने तो जिला पंचायत सदस्य चुना है। अच्छा कभी आप लोगों ने इस चीज की मांग उठाई कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कराता है ब्लॉक प्रमुख विकास कराता है उसको चुनने का अधिकार आपको मिले कभी आप लोगों ने इस चीज की मांग उठाई है? कभी कायदा है हम लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष अपना चुनने का हक मिलना चाहिए ब्लॉक प्रमुख भी अपना चुनने का हक हम लोगों को होना चाहिए ना कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को। आप लोग चुनते हैं बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को जिला पंचायत सदस्य को लेकिन 5 साल तक आपको कहीं दिखाई देते हैं वो? कहीं नहीं कहीं ना कोई ब्लॉक प्रमुख अभी तक हमारे गांव में आया है ना कोई जिला अध्यक्ष आया है आज तक। आप लोगों ने इसकी मांग कभी क्यों नहीं उठाई कि हमारा जो पैसा है उसको खर्च कहाँ करना है कैसे करना है उसका अधिकार हमें मिलना चाहिए कौन चुनेगा? ये तो पब्लिक को अपना सोचना चाहिए कि सोच समझ के अपना जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पब्लिक को ही सोच के चुनना चाहिए कायदे में। आप बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी ऐसा ही होना चाहिए। आप सभी लोग बताए अरे कहाँ आप लोग इधर देखिए बाबा अरे इधर बाबा इधर देखिए यहाँ आइए आपका जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है पता आपको? हमें कुछ होना ही मालूम है। अरे जिला पंचायत अध्यक्ष पता ही नहीं क्योंकि आपने चुना ही नहीं है कभी। ब्लॉक प्रमुख कौन है? हमें ना जब पता कुछ भी ब्लॉक प्रमुख नहीं पता क्योंकि आपको इसलिए नहीं पता आपने चुना ही नहीं है ब्लॉक प्रमुख को। हम चुना गांव रहे कहाँ रहे हम तो बाहर रह रहे दिल्ली रह रहे हैं। इधर इधर देखो आपको पता जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? भैया यहाँ जब कब आए ना तो देखो ना तो जाने कौन है सब बाहर के खड़े क्या? जिला पंचायत सदस्य कौन है आपका? जिला पंचायत सदस्य कन्हैया गेहीं ठाकुर भाई है। दोबारा आप उन्हें चुनेंगे क्या? नहीं नहीं चुनेंगे जब काम है दोबारा आए नहीं जो अगला चुनेंगे क्या वो दोबारा आएगा? जिन्हें अगला चुनेंगे वो दोबारा आएंगे क्या? बहुत नहीं है वो भी नहीं आएंगे क्योंकि जिनके आपने जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं चुना है और काम जो सब कराते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष तो आप लोगों ने इसकी मांग कभी क्यों नहीं उठाई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख को चुनने का अधिकार हमें मिलना चाहिए? आप लोग बताइए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सभी लोग हाथ उठाएं जो चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनने का अधिकार हमें मिलना चाहिए बताइए आप लोग सभी लोग चाहते हैं? हाँ अच्छा क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। और क्या हो रहा है? और काम धंधा खेती बाड़ी हुई रो खेती बाड़ी हो रही है। अच्छा ये बताइए गांव का क्या माहौल चल रहा है इस समय? गांव किनारे बड़ा कीच है माँ दंदल पर खंजड़ा सब रोड जो चुनावी माहौल कैसे चल रहा है गांव में? तो पंचायत चुनाव आने वाले हैं
अब चुनाव को नाई भाई बताए थे अपने खेत मतलब राखा था। नहीं ये रोड इस पे हम देख रहे हैं काफी पानी जमा हुआ है, इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं, पूरा साल हो गया है यहाँ से निकलने में पूरी दिक्कत है। किसी के खेत से निकलते हैं तो लोग खाई बांध देते हैं, कोई तार लगाता है। ये रोड कहाँ को गई है? ये रोड बादशाह नगर चौराहे मेन हाईवे में मिला जा करके। ये मुख्य मार्ग के यहाँ का मुख्य मार्ग जो यहाँ से बाईपास तक और मेन हाईवे पे मिला जाके है, निकलने में बहुत दिक्कत है। हर आदमी यहाँ पानी सिर्फ बरसात में भरता है या नॉर्मल भरा रहता है? हर समय कम से कम 2 सालों से यहाँ पे भरा ही रहता है। 2 सालों से तो काफी दिक्कत होती होगी जब आप लोग यहाँ से निकलते हो या किसी को कहीं, अगर आप बता रहे हैं ये मुख्य मार्ग है गांव का, इधर से कोई आता है तो वाहन 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर उसे निकलने में पूरी दिक्कत, या तो सेरा मुंह होके आए घूम के जो की 5 किलोमीटर पड़ता है, 6 या 6 किलोमीटर पीछे घूम के जलालपुर होके आए। आप लोगों ने किससे कहा इस रोड के बनवाने के लिए? अब हमने कहा किसी से, तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत जिम्मेदारी नहीं, यहाँ के ग्रामीणों की भी जिम्मेदारी की अपनी समस्या बताना। जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। जब कोई सुने तभी तो कहे। तो मतलब आप लोगों ने कहा है किसी से? कहने का उन्हें खुद मालूम है, सबको पता है, कह भी चुके हैं लोग। अच्छा, खुद निकलते हैं? कौन कौन यहाँ से निकलता है? हर कोई, पूरा गांव निकलता है इधर, और 3-4 गांव के हर कोई आदमी निकलता है। ये तो अपने आप खुद ही सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनको बोलने में चलने में काफी दिक्कत होती है। इनको इशारे से इन्होंने बताया कि इनको ना तो शौचालय मिला है ना ही आवास मिला है, और ये रो 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 कर बता रहे हैं कि इनको चलने में कितनी दिक्कत होती है। बताइए बाबा, बोल ही नहीं पाए रहे ना। बाप कैसा विकास कार्य कराया आपके ग्राम प्रधान ने? ग्राम प्रधान विकास का कराओ, इसमें कुछ बने ना रो, नाले आज तक बने ना, पानी से भरो पड़ो, हम लोगों ने बरसात में बहुत परेशानी हो। जिला पंचायत सदस्य कौन है आपके क्षेत्र का? जिला पंचायत सदस्य कौन है? राम किशोर वर्मा। अच्छा, राम किशोर वर्मा। हाँ, आपको नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि आपके क्षेत्र में द्वारा आए नहीं होंगे, ऐसा कुछ है? कभी ना यार, लेकिन बाद नहीं आ रहा है कभी ना यार। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? अजय प्रताप सिंह। काम सब वही कराएंगे जो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, उनको चुनने का अधिकार आपके पास है नहीं। इसके लिए आप लोगों ने कभी डिमांड भी नहीं की कि उनको चुनने का अधिकार हमें मिले, ब्लॉक प्रमुख को चुनने का अधिकार हमें मिले, क्योंकि आप लोग BDC चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, और वो लोग जाकर जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं और ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, ऐसा है? आप लोगों ने कभी इस चीज़ की डिमांड की कि हमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को चुनने का अधिकार मिले? नहीं, हमसे कोई बात नहीं भाई। नहीं, आप लोगों ने कभी इसकी मांग उठाई है कि नहीं? नहीं, हमने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? आप लोग उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अब इस बारे में भाई हमें तो पूरी जानकारी है ना, किस क्रम से चलो जात का हो। अच्छा, आपका पैसा कहाँ खर्च होगा ये चुनने का अधिकार आपको होना चाहिए या किसी और को? नहीं, बहुत तो ठीक है, लेकिन जो तो अपनों पे जाने कहाँ से पैसा हो, तो किस योजना में जाते पैसा, वो किसी और का नहीं होता, वो आपका होता है, वो टैक्स आपके टैक्स का पैसा होता है। आप कहेंगे हम तो टैक्स देते नहीं है। नहीं भाई, देते नहीं। क्या कोई विकास ना है यहाँ फिर हो? अच्छा, ये बताइए आप लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनने का अधिकार मिलना चाहिए या कोई और चुने आपका जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, बताइए? मिलना चाहिए। हाँ ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला कर ये मांग कर रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनने का अधिकार उन्हें खुद मिलना चाहिए। कोई जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्रीय पंचायत सदस्य ये नहीं तय करेगा कि उनका जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख कौन होगा।